Welcome back guys. So guys, today we will discuss the practical issues faced in case of refund procedures for export of goods with payment of IGST. Because we know guys, there are two options when we are exporting goods or services, either with payment of tax or without payment of tax. Matlab hum export kar sakte hain tax bina pay kiye bhi aur pay karke bhi. Ab bina पे किए कैसे होता है गाइस, उस केस में आपको क्या फाइल करना होता है, एक बॉन्ड फाइल करना होता है कि हाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट टैक्सेस. मैं वो टॉपिक आज डिस्कस नहीं कर रहा. और सेकंड ऑप्शन जो होता है कि आप एक्सपोर्ट करते हो, आउटपुट टैक्स पे करते हो, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो उस केस में आपको रिफंड कैसे लेना और कौन से प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो इंडस्ट्री फेस करती है गाइस. तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो प्रैक्टिकल इश्यूज स्टेप बाय स्टेप जो डिस्कशन है वो सारी करेंगे गाइस. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाँ कि जो प्री कंडीशंस हैं फॉर अवेलिंग रिफंड व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो क्या चीज है. आपको फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म जीएसटीआर 3 भी फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड फाइल करना होगा बिफोर अप्लाइंग फॉर द रिफंड फॉर दैट पीरियड. जिस पीरियड का आपको रिफंड अप्लाई करना है उस पीरियड का आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है. जीएसटीआर 1 मतलब कि जो आप आउटपुट सप्लाईज करते हो उसकी डिटेल्स, सारी की सारी जो आप सेल करते हो, सर्विस देते हो, वो डिटेल आपको जीएसटीआर 1 में फाइल करनी है. 3 भी जो आप परचेज वगैरह करते हो उसकी डिटेल आपको 3 भी देनी है. आपको सेल परचेज की डिटेल दे दी है इन फॉर्म्स में, तभी आपको रिफंड मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे विद पेमेंट ऑफ टैक्स. और जीएसटीआर 1 में स्पेसिफिकली डिटेल जो देनी होगी एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, टेबल 6A होता है जीएसटीआर 1 में, जिसमें आप एक्सपोर्ट की डिटेल देते हो और शिपिंग बिल की डिटेल देते हो और लिखते हो कि हाँ हमने इंटीरियर टैक्स इतना किया है आईजीएसटी, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट के केस में क्या लगता है आईजीएसटी. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड, इस केस में क्या कोई आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी है गाइज. अब क्या होता है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो इन दैट केस गाइज यू नीड टू फाइल सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन. बट इफ यू आर एक्सपोर्टिंग विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस यू नीड नॉट टू फाइल एनी सेपरेट एप्लीकेशन. तो इस केस में क्या होगा गाइज, सिंपली जब आप जीएसटी 1 फाइल कर दोगे, टेबल ए में अपनी एक्सपोर्ट की डिटेल्स लिख दोगे, शिपिंग बिल की डिटेल्स लिख दोगे और 3B भी फाइल कर दोगे, तो जीएसटी पोर्टल क्या होगा गाइज, जीएसटी पोर्टल आपका डाटा शेयर करेगा जो आपने जीएसटी 1 में दिया हुआ शिपिंग बिल डिटेल्स का विद आइस गेट. आइस गेट क्या होता है गाइज, कस्टम का गेटवे है. वो फिर क्या करेगा, जैसे उसके पास डाटा जाएगा वो वैलिडेट करेगा जो उसके पास कस्टम के पास शिपिंग बिल है और आपका रिफंड प्रोसेस करेगा. आपको कोई सेपरेट बिल फाइल नहीं करनी है, सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है, जो आप करते हो कब, जब आप एक्सपोर्ट करते हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बट आज की वीडियो में क्या, हम इस केस में क्या होता है, जो हम शिपिंग बिल फाइल करते हैं कस्टम्स के पास उसी को हम ट्रीट करेंगे कि ये रिफंड एप्लीकेशन है. और वंस आपका जो रिफंड पेमेंट अप्रूव हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो कस्टम गेट पे क्या करेगा, जीएसटी पोर्टल को इन्फॉर्मेशन देगा. जीएसटी पोर्टल आपको एसएमएस के थ्रू बताएगा कि हाँ, या ईमेल करेगा टैक्स पेयर को कि सो एंड सो अमाउंट ऑफ मंथ विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. ठीक है, अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज करो आपने अपनी जीएसटी 1 में जो आउटपुट की डिटेल्स जिसमें आप देते हो कि जो आप सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर सपोज करो आपने एक मंथ में वो डिटेल नहीं डाली है, मतलब शिपिंग की डिटेल नहीं डाली, इनवॉइस डिटेल नहीं डाली, तो क्या आप उसे सब्सिक्वेंट मंथ में डाल सकते हो. यस, यू कैन ऐड इन द सब्सिक्वेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ में आप डाल सकते हो और आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो. सेकंड, आपको कौन से बैंक अकाउंट में रिफंड मिलेगा, उस बैंक अकाउंट में मिलेगा जो आपने कस्टम में दिया होगा. ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में. ठीक, अब आपने एक बार ये क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, शिपिंग बिल को मान लिया जाएगा कि हाँ वो आपकी एप्लीकेशन है. तो आपको अगर ट्रैक करना होगा इसका, आप कैसे ट्रैक करोगे, सिंपली आप अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करो. सिंपल, जैसे हम लॉगिन करते हैं gst.gov.in पे, लॉगिन करने के बाद गाइस जब आप जाओगे तो आपको ये टैब नजर आएंगे, सर्विसेज के टैब पर जाना, उसके बाद आप रिफंड के टैब पर जाना, मतलब इस पे क्लिक करोगे सर्विस पे, फिर रिफंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रहा होगा ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डाटा टू बी शेयर्ड विद आइस गेट. तो उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर और मंथ सिलेक्ट कर लेना जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. सेकंड, अब मैंने जैसे ऊपर बोला कि आपको रिफंड के लिए आपको क्या फाइल करना है, 1 और 3B. 1 क्या है, आउटपुट के लिए, 3B है इनपुट के लिए.
तो सबसे पहली बात आती है कि 3B में आपको ये डिटेल डालनी कहाँ है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग गलती करते हैं। तो गाइस जब आप एक्सपोर्ट करते हो, और हमें पता है जब हम SEZ को सप्लाई करते हैं उसे भी आप एक्सपोर्ट मानते हैं, मतलब क्या है? कि एक्सपोर्ट तो हमें पता है इंडिया के बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट है, बट अगर हम SEZ को भी सप्लाई करते हैं जो इंडिया में कुछ जोन जो गवर्नमेंट ने कह रखे हैं कि SEZ है, इंडिया में भी सप्लाई करोगे तब भी उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा और उसे एक्सपोर्ट मानेंगे। तो ये तो बात होगी ठीक है, एक्सपोर्ट है क्या। तो बट अब एक्सपोर्ट को आपके 3B में किस कॉलम में डालना है गाइज, आप एक्सपोर्ट करो विद पेमेंट ऑफ टैक्स या आप एक्सपोर्ट करो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, गाइज ये 3B के 3.1B में ही जाएगा। देखो गाइज आपको मैं बताता हूं मेरे आगे क्या लिखा है। विद पेमेंट ऑफ टैक्स जो आप एक्सपोर्ट करते हो, ना ये 3.1A में जाएगा ना ये 3.1C में जाएगा। 3.1A क्या है गाइज, जब आप इंडिया में सेल करते हो टैक्सेस पे या विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, तो आप 3.1A में लिखते हो। 3.1C क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है गाइज, कि जो एग्जेम्प्ट है वो आप 3.1C में लिखते हो। 3.1B में क्या लिखते हो, वेदर यू आर एक्सपोर्टिंग विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट टैक्स, आप टैक्स पे करो एक्सपोर्ट पे या ना पे करो, आप लिखोगे 3.1B में ही। अगर नहीं लिखोगे गाइज तो टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है गाइज। आपको हमेशा क्या करना है, 3.1B में ही लिखना है एक्सपोर्ट या सप्लाई टू SEZ, वेदर यू आर डूइंग एक्सपोर्ट विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा। और लोग यहां गलती करते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब GST 1 की क्या बात आई, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, अगर आपने कोई इनवॉइस नहीं लिखा GST 1 में तो आप, मैंने क्या बताया, आप सब्सिक्वेंट मंथ में लिख सकते हो। बट व्हाट इफ यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डिटेल्स ऑफ इनवॉइस इन GST 1 या इनकम्प्लीट लिख दिए हैं, तो क्या आप उसे अमेंड कर सकते हो, यस आप उसे अमेंड करो, मतलब आप उसे चेंज कर सकते हो GST 1 में, और टेबल कौन सा अमेंडमेंट का, 9A, ठीक है ये भी हो गया। अब अगला क्या कह रहा है गाइस, व्हाट कैन आई डू फॉर एरर्स मेड इन फॉर्म GST 3B फॉर प्रीवियस पीरियड। अभी हमने पढ़ा GST 1 में एरर, अब ये कह रहा है कि अगर सपोज करो आप 3B में आपने कुछ गलत लिख दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये जो एक्सपोर्ट की डिटेल है आपको 3B के किस में देनी है, 3.1B में देनी है, ठीक है गाइस। बट अगर सपोज आपने 3B में क्या कर दिया, IGST जो आपने पे किया एक्सपोर्ट पे उसको आपने लिख दिया 3.1A में, या कई गलती से आपने 3.1C में लिख दिया, 3.1B में नहीं दिया हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, सब्सिक्वेंट मंथ में जाके इसकी करेक्शन कर सकते हो। मतलब आप जैसे अप्रैल में फाइल कर रहे हो और अप्रैल में क्या किया, गलती से आपने 3.1A में लिख दिया, 3.1B में आप क्या करो, नेक्स्ट मंथ में आप क्या करो, इसकी डिटेल आप नेक्स्ट मंथ में 3.1B में लिख दो और 3.1A को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दो। बट ऐसा ध्यान रखना कि वो रिड्यूस होकर नेगेटिव ना हो, आपको उतनी एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि नेगेटिव ना बने 3B में। आपको पता है कि वैल्यूज ऑफ करंट मंथ शैल नॉट बिकम नेगेटिव, बिकॉज 3B में नेगेटिव फिगर्स नहीं जाती हैं। मैं रिपीट करता हूं गाइस, मतलब अगर आपके 3B में गलत इंफॉर्मेशन लिख दी है, आपने इस डिटेल को 3.1B में ना लिखकर 3.1A में लिख दिया है, तो आप नेक्स्ट मंथ में क्या करो, नेक्स्ट मंथ में आप सिंपली ये डिटेल्स 3.1B में लिख दो, और जो आप ऑलरेडी 3.1A में लिख चुके हो आप उसको अगले मंथ के 3.1A में कम लिख देना। मतलब आप अगर सपोज करो आपने करंट मंथ के 3.1A में लिखा हुआ 5 लाख, नेक्स्ट मंथ में आप क्या करोगे, वही डिटेल आप 3.1B में लिख दोगे और 3.1A में 5 लाख को कम लिख दोगे, ठीक है। मतलब अगर 3.1B में लिखना है 11 लाख, तो आप क्या करोगे, जो 5 लाख आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आप 11 लाख माइनस 5 लाख करना तो सिर्फ 6 लाख लिख देना, क्योंकि 5 लाख आप ऑलरेडी लिख चुके हो। बट आप ऐसे रिवर्स करना कि नेगेटिव ना हो, उसके अकॉर्डिंग देखकर, ठीक है ये भी हो गया। अगला मैंने क्या बताया, इफ IGST एंड सेस पेड ऑन एक्सपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज जीरो, मतलब अगर आपने 3.1B में भी लिख दिया है बट आपने टैक्सेस पे किए थे बट आपने जीरो लिख दिए, तो भी क्या होगा, आप सब्सिक्वेंट मंथ में जाके इसे करेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है ये भी हो गया, आपको समझ में आ गया आई होप गाइस। अब अगला क्या चीज है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये समरी है बिल्कुल जो ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं, कि आपको कौन से स्टेप्स को ध्यान रखना है गाइस कि आपको रिफंड मिल जाए। सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि क्या होता है, आप जब डाटा फीड करोगे जीएसटी पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल देगा आइस गेट को, मतलब कस्टम गेटवे को, तो आपको क्या चीज देखनी है कि आपकी GST 1 और 3B जिस पीरियड का आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो वो फाइल हो चुकी हो, आपकी जो एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस की डिटेल है वो टेबल 6A में हो GST 1 में, जिसमें आप बताओगे कि मैंने ये एक्सपोर्ट किया है इस टेबल में, आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और पोर्ट कोड, जिसके पोर्ट से आपका जा रहा है वो डिटेल आपको इनवॉइस में देनी है, वो 6A में आपको अच्छे से देनी है। और दूसरा 3B में आपको इसको 3.1B में लिखना है, अगर आप ये कंडीशन मेट करते हो तो आपका डाटा क्या होगा, आइस गेट को सेंड किया जाएगा और आपको रिफंड मिल जाएगा गाइस।
तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज थे गाइज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा गाइज आप मुझसे पूछ लेना, और थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा गाइज, डू हिट द लाइक बटन, डू स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स गाइज, हैव अ नाइस डे।